नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ एपिसोड पहले हमने इसेंशियल बार इक्विपमेंट्स के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने वाइन ओपनिंग के बारे में, जो वाइन ओपनर टूल्स रहते हैं उसके बारे में मैंने कुछ बातें की थी, और तब मैंने बोला था कि इसका एक्चुअल डेमो मैं दूंगा कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। और ये दो टाइप के ओपनर है, यानी कीज़ है, इसको बोलते हैं कॉर्क ओपनिंग कीज़। तो इसका इस्तेमाल तो मैं बताऊंगा ही, और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है दोनों, तो भी मेरे पास एक नुस्खा है वाइन के बॉटल के कॉर्क को ओपन करने का, और वो मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो अपना वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास ये दो नहीं है तो भी आप वाइन का कॉर्क ओपन करके वाइन पी सकते हैं। चलो तो आज शुरुआत करते हैं ये पहले कॉर्क ओपनर से। ये जो कॉर्क ओपनर है इसको कहते हैं वाइन की, या तो वेटर्स कॉर्क स्क्रू। ये जो स्पाइरल है इसका इस्तेमाल करके, और ये हिंजेस है, दो हिंजेस के सहारे वाइन की बॉटल कॉर्क उसकी ओपन की जाती है। वो कैसे, तो चलो अभी देखते हैं। चलो तो शुरू करते हैं वाइन की कॉर्क का ओपनिंग कैसे करते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन। ये ओपनर रहता है कॉर्क ओपनर, तो उसको इस जगह पे ये नाइफ रहती है छोटी सी, जो ये सील को कट करना है। पहले हमें इससे ये सील को कट करना है। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको पूरी तरह ऐसे पकड़ के घुमाए तो ये कट हो जाता है। अगर इसे अगर नहीं होता है तो हम लोग दूसरा नाइफ लेके नॉर्मल नाइफ से भी हम लोग इसको कट करते हैं, और ये कट करने के बाद इसको खोलना है इस तरह से। देन उसके बाद में ये कॉर्क ओपनर जो है उसको, ये स्पाइरल हुक रहता है, तो ये स्पाइरल हुक का ये जो नोक है एकदम पॉइंट, तो उसको हमें यहाँ पे पहले सेंटर में उसको इंसर्ट करना है। छोटा सा इंसर्ट इस तरीके से करिए। ये देखिए, ये मैंने घुसा दिया। अब इसको सीधा करके ये जो है ये बॉटल नीचे से घुमाइए, या तो ये देखिए नीचे जा रहा है कॉर्क के अंदर वो घुसे जा रहा है। यस, ये ऐसे अंदर जाते रहेगा। ये पूरा जाने के बाद इसको बेंड करना है। फर्स्ट स्टेप, ये जो पहला हिंज है उसको यहाँ पे अटकाइए। ये देखिए अटका दिया मैंने। उसके बाद में ये हैंडल पकड़ के इसको थोड़ा पुल करिए। ये देखिए, ये ऊपर आ गया कॉर्क अपना। अब इसको और हम कर सकते हैं, और ये देखिए सेकंड हिंज पे इसको अटका देना है। ये सेकंड स्टेप, ये यहाँ पे अटक गया। अब हमें इसको इस तरीके से वापस पुल करके हमें ये कॉर्क अब निकल आएगा। या दिस इज द वे, ये देखिए पूरा आराम से यूं निकल आता है। कितना आसान है, बट आपके पास एक कॉर्क ओपनर होना चाहिए। अब ये दूसरा तरीका जो है वो ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट से है, इसको कहते हैं विंग कॉर्क स्क्रू। इसको विंग है, ये देखिए लीवर है। तो ये जैसे कॉर्क में हम लोग डालते हैं, यहाँ का उसका नोकीला जो पोर्शन है वो डालते हैं और स्पाइरल करते हैं, तो ये लीवर ऊपर 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 जाता है, और बाद में हम उस लीवर को पकड़ के दबाते हैं तो कॉर्क ओपन ऊपर आके ओपन होता है। वो कैसे, चलो इसका भी एक डेमो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड तरीका जिससे ये कॉर्क ओपन हो सकता है। ये छुरी घुमा के हमने ये ओपन किया, वैसे इसको ओपन करिए, फिर
ये दूसरे टाइप का कॉर्क ओपनर है, ये देखिए विंग वाला। तो ये सिमिलर, उसको भी एक स्पाइरल स्क्रू है, इसका पॉइंट इस तरीके से इसके अंदर घुमाना है हमें, ये सेंटर में, और नोक को घुसा के सीधा कर देना। उसके बाद ये जो इसका कवरिंग है उसको पकड़ के हमें ये स्क्रू के अंदर ये वाला पोर्शन घुसाना है। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे मैं घुमाते जाऊंगा तो ये लीवर जो है ये ऊपर आते रहेगा। देखिए ये चार या पांच थ्रेड जाने के बाद इसको हम दोनों हाथों से आराम से इसको प्रेस करेंगे, फिर और अगर एक बार करना पड़े तो ये करके हम घुमा सकते हैं, फिर एक बार करके इसको पकड़ के खुल गया। आवाज कितना खूबसूरत है। ये और एक तरीका, हमारे पास अगर कॉर्क ओपनिंग के लिए उसके औजार नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, तो भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके सहारे हम ये कॉर्क को ओपन कर सकते हैं। उसमें हमको ये एक ज़रूरी है स्क्रू, एक स्क्रू ड्राइवर और फोर्क जिसे हम खाते हैं। तो अभी देखिए ये स्क्रू इसमें इंसर्ट करना है, स्क्रू अंदर जाएगा कॉर्क के अंदर, ज्यादा प्रेस मत करिए नहीं तो कॉर्क अंदर घुस जाता है बॉटल से। इतना होने के बाद ये फोर्क लीजिए, इसको ऐसे प्रेस करके इंसर्ट कीजिए और बाद में बहुत ही आसानी से निकलना शुरू हो जाता है वो। फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा ऊपर आ गया है कॉर्क। फोर्क थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए जो फोर्क का हम इस्तेमाल करेंगे अच्छा खासा स्ट्रांग रहेगा तो बेटर है। कॉर्क नॉर्मली ऊपर आ गया है, थोड़ा खुल जाता है। तो ये एक और बढ़िया तरीका है। तो ऐसे कुछ नुस्खों के लिए निशुष का शो सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। अच्छे अच्छे कुछ हम तरीके दिखाते हैं जिससे आपका थोड़ा वाइन का ड्रिंक करना आसान हो जाता है, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट ना हो तो भी। तो ये सब करने के लिए आपके दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन ये सब बताने के बाद अपना निशुष का लास्ट सेंटेंस कभी मत भूलिए। कौन सा? ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड चीयर्स टू निशुष कास्ट।